कोरोना भाइरस को संक्रमण का कारण अस्पताल भर्ना भएका कांग्रेस महामंत्री डाक्टर शशांक कोइरालालाई आईसीयू में राखेर उपचार गरिएको छ। ज्वरो बढेपछि उहाँलाई सोमबार साँझ ओम अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ना गरिएको थियो। उहाँलाई होम आइसोलेसन को अस्पताल को आइसोलेसन में वार्ड में आईसीयू में राखेर उपचार भइरहेको अस्पताल ने जनाएको छ। बुधवार अस्पताल का प्रबंधक संचालक बाबुकाजी श्रेष्ठ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करी डाक्टर कोइराला को स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताउनु भएको छ। वहाँ को अस्पताल का मेडिकल डाइरेक्टर एवं सीनियर कंसल्टेन्ट फिजिशियन डाक्टर विश्वनाथ कोइराला को नेतृत्व में रहकर चिकित्सकीय टोली ने उपचार गरिरहेको विज्ञप्ति में जनाइएको छ। वहाँ को उपचार में डाक्टर विश्वनाथ कोइराला सँगै डाक्टर सुबोध सागर ढकाल डाक्टर प्रमेश सुंदर श्रेष्ठ लगायत को टीम संलग्न रहेको छ। डाक्टर कोइरालालाई प्यारासिटामोल दिएर आईसीयू में राखिएको अस्पतालले जनाएको छ। महामंत्री डाक्टर कोइरालालाई भदौ 23 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसैता वहाँ होम आइसोलेसन में बसिरहनु भएको थियो, तर मंगलबार एकाएक ज्वरो बढेपछि होम अस्पताल भर्ना गरिएको हो। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पलपलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल यूट्यूब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।